सुप्रीम कोर्ट में आज कृषि कानून को लेकर हुए बहस के बाद कोर्ट ने सरकार से कहा कि इस कानून को आप वापस लेंगे या मैं बैन लगाऊं। स्पष्ट है कि सुप्रीम कोर्ट ने किसानों के हालत को देखते हुए कृषि कानून को फिलहाल वापस लेने का प्रस्ताव सरकार को दिया है। कोर्ट ने सरकार से साफ कहा है कि या तो इस कानून को आप वापस ले लीजिए या मैं इस पर तब तक रोक लगा दूंगा जब तक कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित कमेटी इस पर अपना स्टेटस रिपोर्ट कोर्ट को सबमिट नहीं कर देती है, तब तक ये कानून लागू नहीं किया जा सकेगा। इस दौरान चीफ जस्टिस ने सरकार की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल मिस्टर साल्वे से कहा कि सब कुछ एक आदेश के जरिए हासिल नहीं किया जा सकता। किसान कमेटी के पास जाएंगे, अदालत यह आदेश पारित नहीं कर सकती है कि नागरिक प्रदर्शन नहीं कर सकते, क्योंकि अदालत यह कानून पारित नहीं कर सकती है कि कोई भी नागरिक प्रदर्शन करे या ना करे। किसानों को लेकर कोर्ट ने साफ कहा कि दिन ब दिन स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। किसान आत्महत्या कर रहे हैं, जारे में सफर कर रहे हैं। किसानों की स्थिति दयनीय है जो हम बयान नहीं कर सकते। सरकार के तरफ से हरीश साल्वे ने अदालत से कहा कि क्या अगर अदालत कानून पर रोक लगाती है तो किसान आंदोलन वापस ले लेंगे, जिसके बाद सीजेआई ने कहा कि किसान कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, उन्हें अपनी समस्याओं को कमेटी के सामने कहने दीजिए, हम कमेटी की रिपोर्ट फाइल करने के बाद कानून पर कोई फैसला लेंगे, तब तक इस कानून पर रोक लगाने की प्रस्ताव दी जाती है। चीफ जस्टिस ने साफ कहा कि हम अपने इंटेंशन को सबको साफ साफ बता दें, हम इस मामले का सर्वमान्य समाधान चाहते हैं। कोर्ट साफ कह रहा है कि हम इस मामले का सभी को मान्य होने वाला समाधान चाहते हैं। यही वजह है कि हमने आपको पिछले बार भी कहा था कि क्यों नहीं इस कानून को कुछ दिन के लिए स्थगित कर दें। इसलिए सरकार बताए कि सरकार कानून पर रोक लगाती है या फिर कोर्ट इस पर रोक लगा दे। चीफ जस्टिस एस ए बोबडे ने कहा कि जिस तरह से प्रक्रिया चल रही है हम उससे निराश हैं। उन्होंने अटॉर्नी जनरल से कहा, शीर्ष अदालत सरकार के किसान आंदोलन को हैंडल करने का जो तरीका है उससे बेहद नाखुश है, उससे संतुष्ट नहीं है। चीफ जस्टिस ने कहा, हमें यह भी मालूम है कि आपने कानून पास करने से पहले किस तरह की प्रक्रिया का पालन किया है। कोर्ट में अभी सुनवाई जारी है, लेकिन कुल मिलाकर ये है कि कोर्ट ने साफ कह दिया है कि किसानों की स्थिति जो चल रही है वो कहीं ना कहीं जो नाराज हैं, ऐसे स्थिति में ये दृश्य कोर्ट को नहीं देखा जा रहा है और जब तक इस कानून पर सभी पक्ष मान्य नहीं हो जाते तब तक इस कानून पर रोक लगाई जा सकती है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को प्रस्ताव दे दिया है और ये प्रस्ताव में साफ कहा है कि इसे आप आदेश भी समझ सकते हैं। तो स्थिति स्पष्ट है कि सुप्रीम कोर्ट ने कृषि कानून पर रोक लगा दिया है। अब देखना है कि क्या किसान सुप्रीम कोर्ट के रोक लगाने के बाद अपना प्रदर्शन वापस लेते हैं या नहीं। और अभी क्योंकि सुनवाई चल रही है, आगे के अपडेट को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल के ऑल ऑप्शन को जरूर दबाएं ताकि देश और दुनिया के तमाम खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सकें अपडेट।